पूरे परिवार विच सिर्फ तू ही है जिन्हें मेरी दोवें धीआं कट्ठियां जिंदा वेख्या। जो हक मेरा से थोड़ा गुनेगार मैं धोखा दिता ने थोनू, पर मैं मजबूर सी। उस वक्त मैनू जो सही लगे मैं कर देता। मैं हर दिन यही सोचता सी कि जिस दिन नैन पाबी के दिमाग फिर जी ने पता चलेगा मैं उन्हें दोवों नाल नजर कितना मिलावांगा। मैं तुहाडे नाल वादा करदा मैं अज तो बाद तुहानू कदे झूठ नहीं बोलांगा। प्लीज मैनू माफ कर दो, मैनू माफ कर दो। जब तक तुसी मैनू माफ नहीं ना करोगे मैं अपने आप नू कदे माफ नहीं कर सकांगा। सहदेव, मैं तुहानू बहुत वड्डा धोखा दे। बस सहदेव बस, दिवांश की याददाश्त नहीं गई। आज तक नाटक कर रहे सी। करता मां, दीदी जी, सब ठीक होएगा, सब ठीक हो जाएगा। रुचि के कहे मुताबिक मैं 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का पाठ तो कर लिया। हुण माता रानी तुसी मेरे पर हाथ रखियो नीलम दे सिर ते। एक्सक्यूज मी मैम, नीलम नाम दी पेशेंट हुण खतरे तो बाहर है ते उन्हां नूं छेती होश आ जाएगा। तुसी चलो, मैं माता रानी तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। नीलम, नीलम तो ठीक तो है ना? जाओ है तो मेरी नजर तो दूर हो जाओ। मैं तोड़ी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तुसी मेरी सारिया खुशियां खो लिया ने। तुसी भैन नहीं, दुश्मन हो दुश्मन। मैंने थोड़ा ब्लड लॉस होने करके तुहानू कुछ भी हो सकता सी, पर इन्होंने सही टाइम पे तुहानू खून दे के तुहाडी जान बचाई है। तुहानू तां इन्हां दा आसान मनना चाहिए। ये सब ना इन्होंने जान बुझ के किया है। इन्होंने जान बुझ के मेरी जान बचाई है ताकि हर पल मैनू मरदे हुए वेख सकन। नीलम, ये तू की कह रही है? तू जो सोच रही है अजिहा कुछ भी नहीं है। चले जाओ तो, मैं क्या ना, मैं तुहाडी शक्ल नहीं देखना चाहती। नफरत है मैनू तुहाडे नाल। जाओ तो। सदीप जी, नीलम नू होश आ गया, नू जाके मिलो, चंगा लगेगा। जाओ। क्यों यार, मैंने उदास क्यों लग रही है? तैनूं तां खुश होना चाहिए ना कि नीलम हुण खतरे तो बाहर है। नयन
नयन की होया? हिमांश जी, आज नीलम दी जो भी हालत है सिर्फ मेरे करके है। उन्हें इस हालत च पहुंचाने वाली मैं हूं। नीलम नु भी यही लगता है कि खुद हालातों की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूं और कोई नहीं। उन्हें मैंने क्या कि मैंने खून इसलिए दिता ताकि मैं उसकी जान बचा के पूरी जिंदगी उन्हें नीवा बखा सका, उन्हें दुख दे सका। नहीं नयन, तू नीलम दी गल्लां नूं इग्नोर कर। नीलम दी हालत अजे ठीक नहीं है ना, नाले वैसे भी यह केड़ा कदे कोई चंगी गल बोलती है। फिकर ना कर, सब ठीक हो जाएगा। पाजी, मेरे दीदी बेहोश हो गए ने, पानी की बोतल दे दोगे जरा? प्लीज दे दो पानी। थैंक यू पाजी। दीदी जी, तुसी इन्हें टेंशन च क्यों जे? तुसी जानते जे ना, हर मुश्किल दा कोई ना कोई हल तां जरूर हुंदा है ना। मैं तेरी मां नूं ही नहीं, तेरी दादी जिन्हों तू बड़े प्यार नाल अपनी गर्लफ्रेंड आखदा सी, उस कुशल्या नूं भी मैं ही मारिया। तू भी अपनी मां कोल जा। दिवस दिवस ते याददाश्त गई नहीं है। सब याद है, वो जानता है कि मैं उसकी ममता मां की जान ली है। मैं उन्हें छत तो धक्का देने तो पहले सब कुछ दस दिता सी। वो जे दिवांश सब सच जानता है ते ओ इन्ने दिनों तो साडे नाल एड्डी वड्डी गेम खेड रहे, उन्हें सानू सजा दवा के साडे कोल हले तक बदला क्यों नहीं लिया? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਨਿਆਣ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਸਕਣ? ਨਹੀਂ ਦੀਦੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, दिवांश ने यह कहा कि उन्हें यह गल सिर्फ सहदेव नूं भरोसा करके दसी है। मैनूं नहीं लगता कि यह गल नयन जानती है। हो सकता है नयन सब कुछ जानती होवे ते दिवांश ने सहदेव नूं यह कहा होवे कि नयन नूं कुछ भी नहीं पता। जे यह गल है ना दीदी जी, तो सानूं भी हुण दो कदम अगे सोचना पएगा। सानूं भी हुण दिवांश के सामने ना ਇੱਦਾਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
फिर असी ओदी असली मकसद बारे कदी भी जान नहीं पावांगे। सानू चारों पासियां तो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मेरा नलायक पुत्र सहदेव भी दिवांश की इस खेड च शामिल है। ते एक गल होर, ते भूल के भी ये गल नकुल नू नहीं पता लगनी चाहिदी। क्योंकि ओदा कोई भरोसा नहीं, वो कदों किट्टी दे सामने सब कुछ पक दवे। ठीक है दीदी जी, इदा ही होएगा। हूँ नीलम, तेरी तबीयत ठीक है? निकलो है तो। मैं तोड़े ना कोई गल नहीं करनी। नीलम, मैं तेरा गुनेगार, तू जो चाहे वो सजा मैनू दे, पर तू मेरे नाल वादा कर तू अपने आप नूं कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। मेरी जिंदगी बर्बाद करके कुछ चंगे बनने का ढोंग ना करो। हर दिन मैं अपनी गलती का एहसास होता, मैं हर दिन तड़पता सी। नीलम नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना। जी मेरे तो मां होने का हक खोया है, तुसी आने का नु मेरे हाथों खो के मैं तेरे नु दे देता। तुसी मेरी जिंदगी दी हर खुशी खो ली है, और मैं किस हक नाल उस घर च जाऊंगी? हां दसो मैनू। नहीं नीलम, मैं तेरे तो कुछ नहीं खोया। कोई तो मैं नैन पाबी ते दिवांश वीर जी की धी सी, ते ही मेरी सब तो वड्डी गलती सी। पर नीलम, हुण मेरे दिल में तसल्ली, अनिका नैन पाबी की धी, उन्हां नूं वापस मिल गई। नाले तो ये भी ना भुल नीलम, नैन पाबी ने सब कुछ जानते हुए तेनों तीन मौके दिते सी, ते मैं तेनों बार बार अलर्ट करता रहा कि तू अनिका की परवरिश ध्यान न रख, नहीं तो चंगा नहीं होगा। तो तू तीन मौके गवा बैठी ने, तो तू एक चंगी मां नहीं बन सकी। नयन, हम क्यों रो रही हैं? नीलम ठीक तो है ना, तू कोई गलत नहीं लुको रही? नहीं नहीं देवांशी, नीलम ठीक है, हूँ खतरे तो बाहर है। समझ गया मैं, तेन बार बार यही लग रहा है ना कि तेरे सच सब के सामने लिया ही नीलम ने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तू दिली अपने आप नूं जिम्मेवार मान रही है? दिवाजी, मैंने कुछ समझ नहीं आ रही।
जिस तक सब के सामने ना आता ना तो अनिका नूं उहदे सगे मां प्यो का प्यार कदे ना मिलता। सबते सामने आ गए तो नीलम ने कदम चक लिया। नयन तू कुछ गलत नहीं किया। यू गेव हर थ्री चांसेस। तेरी जगह कोई होर मां होंदी ना सच सामने आंदे ही उस वेले अपने बच्चे नूं वापस ले लैंदी। अपने आप नूं समझाने की पूरी कोशिश कर रही है देवांश जी। जे नीलम तो उस दिन मेरी गल मन्नी होंदी ना तां अनिका अज तेरी गोदी विच होंदी। नीलम ये सब मैं तेरी खाली झोली भरन लई कीता सी पर तेरी झोली भरदिआं भरदिआं एक दूजी मां की झोली सुनी होगी। पर हुण मेरे दिल में तसल्ली है नैन भाभी की धी उन्हां नूं वापस मिल गई ते मैं ना चाहते हुए भी एक दूजी मां की गोद सुनी करते थे। पर नीलम मेरे दिल तो एक बहुत वड्डा बोझ उतर गया। नैन भाभी की धी उन्हां नूं वापस मिल गई ते मैं चाहना कि असी सारा कुछ भुल के जिंदगी की नवी शुरुआत करिए। मैं तेरा ध्यान रखांगा। निकलो इत्थों तुसी। मैं करिया निकला। मैं नहीं करनी तेरी बकवास। ये सब करके तुसी कोई महार काम नहीं किया है। पहला तुसी नए दीदी दी धी नूं चुके मेरी झोली च पाता फिर उन्हें मेरे तो लेके नए दीदी नूं वापस दे दिता। इन्हें सब च तुसी ये भूल गए कि इन्ने टाइम च मैं उस बच्ची नूं अपना मनन लग गई सी। तुसी मेरे इजाजत तो बिना डॉक्टर नूं मेरा यूट्रस हटाने की परमिशन किदा दित्ती। बस मैं संभाल अपने आप को। देखना गल इदा है ना तेरे लिए फैसला लेना बहुत औखा सी क्योंकि एक पासे तेरी भैन ते दूजे पासे तेरी धी सी। फिर भी तू अपने बारे ना सोचते हुए नीलम नूं उहदी गलती सुधारन लई टाइम दिता। सहदेव नूं कहा कि वह उन्हें समझाए। फिर जब मैंने ऐसा वर्कआउट नहीं किया तां जाके तू वो किया जो तेरे लिए साड़ी तीली सही सी। हूँ पछताने की कोई लोड़ नहीं जो किया बिल्कुल सही किया। हाँ ठीक है देवान जी हुण तुसी घर जाओ आराम करो। नहीं नहीं मैं इत्थे रुकांगा। नैन मेहमान है इत्थे नीलम दे कोल मेरे नाल नाल सहदेव जी तो इत्थे ही ने तुसी जाओ। ठीक है मैं चलता। किसी चीज की लोड़ हो मैं फोन करी तेन सवेरे लैना ना नाले तू भी थोड़ी देर आराम कर ले। थोड़ी देर हॉस्पिटल दे मंदिर से बैठागी फिर आराम कर लागे। ख्याल रखियो अपना।